Hey guys, welcome to Elevate Education। आइए आज जानते हैं हम लोग फोर्स के बारे में। फोर्स क्या है? फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में या तो बदलाव कर देता है या बदलाव की कोशिश करता है। जनरली फोर्स के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन चलती है, द पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन इतने से मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। हमें सही से समझने के लिए फोर्स के बारे में जानना होगा कि फोर्स सही मायनों में क्या है। फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है, फोर्स एक ऐसी वजह है जिसके कारण या तो बॉडी की पोजीशन में चेंज हो जाता है या वो बॉडी की पोजीशन या उसकी स्टेट में चेंज करने की कोशिश करता है। यानी कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर हम कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक उसकी स्टेट में या उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। बॉडी की पोजीशन में या उसकी स्टेट में चेंज आने का कारण बनता है फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस भी हो सकती है या फिर वो अपनी रेस्ट में हो तो मोशन में भी आ सकती है, अगर मोशन में हो तो रेस्ट में भी आ सकती है। मतलब हम लोग ताकत लगाकर, फोर्स लगाकर बॉडी को, चलती हुई बॉडी को रोक भी सकते हैं और रुकी हुई बॉडी को चला भी सकते हैं। तो फोर्स अपने आप में एक तरीके से क्या हुआ, फोर्स एक ऐसी वजह बनी, एक ऐसा कारण बना जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में या तो बदलाव कर रहा है या बदलाव की कोशिश कर रहा है। अब फोर्सेस के बारे में अगर देखें तो डेफिनेशन के मुताबिक तो फोर्स क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसके मोमेंटम में चेंज लाने की कोशिश करता है। मोमेंटम में चेंज लाने की कोशिश करता है इसका मतलब जितना ज़्यादा मोमेंटम में चेंज, जितनी तेज़ी से मोमेंटम में चेंज आएगा समझो फोर्स उतना ही ज़्यादा अप्लाई किया गया होगा। यानी फोर्स के जो काम हैं वो क्या हैं, फोर्स के काम हैं बॉडी की पोजीशन को चेंज करना, फोर्स का काम है बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, फोर्स का काम है किसी रुकी हुई बॉडी को चला देना, फोर्स का काम है किसी चलती हुई बॉडी को रोक देना, फोर्स का काम है किसी बॉडी को घुमा देना। हालांकि फोर्स के उस टॉर्क वाले इफेक्ट में आएगा लेकिन फोर्स का काम है किसी बॉडी को घुमा देना। तो फोर्स के इस तरह से कई सारे इफेक्ट होते हैं। तो जनरली छोटी सी अगर बात जानी जाए तो फोर्स एक ऐसी वजह है जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में या तो बदलाव कर देता है या बदलाव की कोशिश करता है। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। फोर्स के बारे में न्यूटन ने ही सबसे पहले बताया क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ही फोर्स की सही डेफिनेशन निकल के आती है कि किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में होने वाले चेंज का जो रेट होता है वो उस पर अप्लाई किए गए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। और इस फॉर्मूले को अगर हम लोग देखें, यानी इस लॉ के हिसाब से एक फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला बन के आया एफ बराबर एम ए। यानी बॉडी के अंदर फोर्स अप्लाई करने से उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है और उस एक्सेलरेशन मास और फोर्स में रिलेशन होता है एफ बराबर एम ए। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।